यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला है और गर्मी से राहत भी मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आज भारी बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर मौसम में थोड़ी नरमी आ सकती है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है जिसमें से गर्मी से राहत भी मिल सकती है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मौसम में नरमी आई है और गर्मी से राहत भी मिल सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है और इसके साथ ही जिस तरह से भीषण गर्मी बनी हुई है उसमें राहत भी मिलेगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी भी जुड़ी हुई है। हिना, जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है जिससे कि गर्मी में भी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से अगर बात करें, लंबे वक्त से काफी ज्यादा गर्मी का कहर यहाँ पर उत्तराखंड में बरस रहा था और लंबे वक्त से जो है उत्तराखंड वासियों को काफी जो है गर्मी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और जल्द ही जो है गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि उत्तराखंड का मौसम जिस तरह से अगर आज की बात करें तो आज जो है आसमान में घटा छाई हुई दिख रही है और लग रहा है कि बारिश होगी। वहीं जो है उत्तराखंड मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी किया और बारिश होने की संभावना जताई है और कई जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है भारी बारिश हो सकती है और ये जो असर दिख रहा है जिस तरीके से मौसम बदला है और इसकी वजह जो है पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता मानी जा रही है। जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ जो है पहाड़ी राज्यों की ओर आ रहा है और ऐसे में जो है उत्तराखंड के मौसम में भी परिवर्तन देखा जा रहा है और गर्मी से राहत जो है उत्तराखंड की जनता को मिलेगी। जी हिना, गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन अभी चार धाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही अब जैसा कि मौसम में परिवर्तन आया है तो क्या प्रभावित हो सकती है यात्रा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अगर बात करें सड़कों की तो थोड़ी सी ही बारिश में वहां पर जो है सड़कें भी जो है बदहाल हो जाती हैं और आना जाना जो है काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं और जाम की समस्या भी। जिस तरीके से 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं चार धाम के लिए तो ऐसे में स्वाभाविक है कि काफी ज्यादा जो है लोग आएंगे, भीड़ आएंगे और पहले से ही जाम की समस्या बनी हुई है और अगर मौसम बदलता है तो ऐसे में जो है जाम की समस्या भी होगी और इसी के साथ ही जिस तरीके से बिजली जो है बिजली का संकट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और काफी ज्यादा जो है उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है वो भी प्रभावित हो सकती है। जी हिना, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से खबर बता रहे हैं जहाँ पर मौसम ने मिजाज बदला है और हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है जिससे कि गर्मी में राहत भी मिल सकती है।